आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। तीन दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के हिंदू शिव आश्रम में लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, निस्तारण के दिए आदेश। गोरक्ष पीठाधीश्वर एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले दिन रविवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में किया रुद्राभिषेक। लोक कल्याण, उद्धार, समृद्धि एवं शांति की कामना। गोरखपुर में रविवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,356। अब तक 847 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके अपनी जान। 32 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। पास्को एक्ट सहित अन्य गंभीर धाराओं के वांछित आरोपियों के घर पर कोतवाली पुलिस ने डुगडुगी बजाकर किया नोटिस चस्पा। सीओ कोतवाली ने दी जानकारी। हत्या के प्रयास के आरोपी अभियुक्त को कैंट पुलिस ने चोरी के सामान के साथ किया गिरफ्तार। एक मोटरसाइकिल, 3 मास्टर पेचकस, 1 वायर कटर व 1 मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ यांत्रिक कारखाना मंडल का वार्षिक अधिवेशन का किया गया आयोजन। नई कार्यकारिणी के गठन और चुनाव तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। गुलरिया थाना के पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, लोक सेवक को धमकी देने सहित अन्य मामलों में एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। श्रावण मास के पहले दिन गुरु कृपा संस्थान के द्वारा कराया गया शिव वंदना व सुंदरकांड का पाठ। कोरोना के खात्मे और सुख शांति के लिए भगवान शिव से मांगी गई मन्नत। कोरोना गाइडलाइन के तहत लागू साप्ताहिक बंदी के दौरान रविवार को भी बंद रही महानगर की दुकानें। दिन में सड़कों पर वाहनों का आवागमन रहा जारी। रात्रि में कोरोना नाइट कर्फ्यू रहा प्रभावी। और घाघरा और रोहिन नदी खतरे के निशान के ऊपर। राप्ती नदी का बढ़ रहा है जलस्तर। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, सभी विभागों को किया गया है अलर्ट। तटबंधों पर रखी जा रही है निगरानी। उपलब्ध कराया गया जिले के कुल बाढ़ प्रभावित 8 गांवों में 10 नावें।